हेलो गाइस, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, बुलाते लोग प्यार से, दसानन मेरे नाम से कुछ ऐसे सॉन्ग है जिस सॉन्ग पे कुछ इस तरह की वीडियो बनाया जा रहा है, जिस वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ चुके हैं। तो इस तरह के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ वीडियो को शूट कैसे करना है और एडिट कैसे करना है। वीडियो बनाना बिल्कुल आसान है, सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, दोनों को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो का डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस का आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है। इसके बाद जो आपने वीडियो शूट कर रखे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले मैं वीडियो को सेलेक्ट करता हूँ। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले आपको ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आते हैं और आपको वीडियो शूट कैसे करना है वो मैं आपको एक से दो बार प्ले कर दिखा दूंगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है वीडियो हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट जो हमारा एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा वीडियो शूट हो गया है उसे हम डिलीट करते हैं। तो यहाँ पर आपको ट्रिम टू लैपटॉप प्ले हिट कर देना है। जो लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा था वो आपका रिमूव हो चुका है। तो मैं आपको एक बार वीडियो को प्ले कर दिखा देता हूँ। सिंपल आपको करना क्या है, अपने हाथों में 2 से 3 शॉट या टी शर्ट ले लेना है, कुछ इस तरह से आपको फर्स्ट वाले कुछ इस तरह से फेंकना है, आपको ध्यान रखना है। और वीडियो जब भी शूट करेंगे तो आप जो जहाँ पे फेंक रहे हैं वहाँ पे भी और साइड में तीनों एक साथ कैप्चर होना चाहिए। तो फर्स्ट वाला पार्ट का वीडियो कुछ इस तरह से शूट मैंने किया हूँ, तो सिंपल आप देख सकते हैं। कैमरा के आगे तरफ आना है, दोनों हाथ में आपको शॉर्ट या टी शर्ट लेना है, कुछ इस तरह से आपको ध्यान रखना है, कुछ इस तरह से आपको सेम फेंकना है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट पार्ट का वीडियो यहाँ पे शूट हो चुका है। सिंपल मैं बताता हूँ कहाँ से आपको स्टार्ट हो रहा है। सिंपल लिया और कुछ इस तरह से आपको फेंक देना है। जैसे फेंकते हैं तो आपको इस फेंकने का सीन इस पोजीशन में चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको स्पीड 2 प्ले हिट कर देना है, इस बात को ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पर स्पीड 2 प्ले हिट कर देता हूँ। सिंपल फर्स्ट पार्ट का वीडियो लिया मैंने, कुछ इस तरह से फेंक दिया हूँ, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट का वीडियो आपको शूट कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। जो शॉट आपने फेंके हैं उस शॉट को आपको पहन लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। और सिंपल जहाँ पे शॉट गिरा था उस बात को आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे शॉट गिरा है वहाँ पे आपको बैठ जाना है कुछ इस तरह से, सिंपल। इसके बाद बैठने के बाद आपको सेकेंड शॉट या टी शर्ट जो अपने हाथ में है वो टी शर्ट को यहाँ हाथ पे लेना है कुछ इस तरह से, आपको जस्ट सामने राइट साइड आपको फेंकना है। तो जैसे कि देख सकते हैं मैं कुछ इस तरह से फेंका हूँ, तो आपको भी सेम इसी तरह से फेंक देना है। जैसे देखते रहना आपको किस तरह से वीडियो शूट किया है, सेम इसी पोजिशन में, ठीक है। और इसके बाद ये जो हवा में जैसे मैंने फेंका इस पोजिशन में आपको आना है और इसे आपको स्पीड 2 प्ले हिट कर देना है। आपको अगर स्टार्टिंग में कुछ पार्ट हमें एक्स्ट्रा लग रहा है आपको ध्यान रखना, जैसे हम फेंक रहे हैं तो इसे बैक लिया और कुछ इस तरह से मैंने फेंकने की एक्टिंग किया, तो यहाँ तक जो पार्ट एक्स्ट्रा है उसे हम ट्रिम टू लेफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। जो यहाँ पर हमारा 2 पार्ट एडिट हो चुका है, लिए मैंने शॉट कुछ इस तरह से मैंने फेंका, वहाँ से मैंने लिया और तरह से यहाँ पर फेंक दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें जैसे कि लग रहा है कि हमें रुक रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें भी जो भी पार्ट एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव करना है, क्योंकि वीडियो को हमें यहाँ पे फास्ट दिखाना है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। इसके बाद हमें थर्ड पार्ट का वीडियो कुछ इस तरह से शूट करना है, जो मैंने अभी जैकेट पहना फेंका हूँ जैकेट को हमको पहन लेना है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। और जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जैकेट पहन चुका हूँ, यहाँ शॉट को आपको हाथ में ले लेना है और कुछ इस तरह से आपको कैमरा के सामने फेंकना है, ठीक है, ध्यान रखना है। और लेफ्ट साइड पार्ट का पार्ट जो एक्स्ट्रा था मैंने रिमूव कर दिया हूँ, ठीक है। आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ से पहना और वो शॉट मैंने पहन लिया, ठीक है। और इस पोजीशन में आना है, ठीक है। और इसके बाद आपको ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है, लेफ्ट साइड का पार्ट जो हमारा एक्स्ट्रा है उसे ट्रिम टू लेफ्ट करेंगे। इस जैकेट को आपको कैमरा के सामने कुछ इस तरह से फेंकना है, ठीक है। जो भी आपको एक्स्ट्रा पार्ट अगर डिलीट हो जाता है तो आपको काफ़ी ध्यान से आपको करना है, ठीक है। इस पोजिशन में आना है और स्पीड 2 प्ले हिट कर देना है। इसके बाद आपको कैमरा के सामने आना है और जो आपने जैकेट फेंके थे या शॉट फेंके थे उस शॉट को आपको पहन लेना है, ठीक है। जैकेट आपने पहने तो जैकेट को उतार देना है, ठीक है, और हाथ में लेना है और फिर सेम उसी पोज में आपको उसी तरह से फेंकना है जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ इस तरह से फेंका हूँ, हाथ में लिया और यहाँ से फेंकने का स्टार्ट करता हूँ। एक्स्ट्रा पार्ट है ट्रिम टू लेफ्ट करेंगे, ठीक है, और कुछ इस तरह से मैंने फेंका हूँ, यहाँ पर स्पीड 2 प्ले हिट कर देंगे। इसके बाद वहीं पर उसी पोजिशन में आना है, बैठ जाना है और शॉर्ट जो हमने पहने थे उसे आपको पहन लेना है और सेम उसी पोजिशन में आपको बैठ जाना है और सेम इस तरह से आपको फेंकना है, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। इसके बाद कुछ इस तरह से मैंने फेंका, इसे हम स्पीड 2 प्ले हिट करेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर लास्ट पार्ट का वीडियो हमें शूट करना है, तो सेम उसी पोजीशन में आएंगे और इसके बाद शॉर्ट को पहनेंगे, जैकेट को हाथ में लेंगे और सेम इसी को कैमरा के सामने आपको फेंक देना है। देखना है कहाँ से हमने फेंकने का स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से स्पीड टू प्लेट करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है उसे ट्रिम टू लेफ्ट करेंगे। कुछ इस तरह से कैमरा के सामने आपको फेंकना है, ध्यान रखना है इसी पोजीशन में आना है और स्पीड टू प्ले हिट कर देना है। इसके बाद लास्ट पार्ट जो आपको वीडियो शूट करना है कुछ इस तरह से, जो ही शॉर्ट था कुछ इस तरह से देखो, आपको लास्ट में कैसे एडिटिंग करना है दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि लग रहा है जैसे कोई जैकेट जो फेंका है वो आप फेंकते समय ही पहन लिए हैं, ठीक है। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू लेफ्ट करेंगे और कुछ इस तरह से हमने पहने और कुछ आगे की तरफ आपको हो जाना है, ठीक है। और यहाँ पर बोलना है पूरा हिला डाला, कुछ इस तरह से एडिटिंग आपको करना है जो शिवाजी द बॉस के मूवी का सीन है। इसके बाद राइट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा था उसे हम ट्रिम टू राइट कर दिए हैं। अब फाइनली हम वीडियो प्ले करते हैं तो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं एक बार प्ले करता हूँ और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा एक्स्ट्रा पार्ट को हम रिमूव भी करेंगे। सिंपल प्ले मैंने कर चुका हूँ, आप देखना है ध्यान से आपको। सिंपल कुछ इस तरह से मैंने फेंका, पहन लिया और यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि लग रहा है हम फेंका है, तो लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा हमें लेफ्ट उस पार्ट को हमें रिमूव करना पड़ेगा, यानी ट्रिम टू लेफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बस ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, कुछ इस तरह से मैंने फेंका, पहना, फिर फेंका, फिर फेंका, देख रहे हैं, ठीक है। लग रहा है जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फिर से लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे फेंका तो यहाँ पे आपको पहनना जो है पहनने में लेट हो रहा है, तो राइट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है ट्रिम टू राइट करेंगे, ठीक है। बस यहीं पर आपको ध्यान रखना है, बाकी आप देख सकते हो जो भी इसमें एक्स्ट्रा पार्ट था एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने रिमूव कर दिया। अब मैं प्ले करता हूँ तो अब लग नहीं रहा कि हमारा वीडियो से इस तरह से शूट किया गया, लग रहा है बहुत तेज़ी से मैंने उठ चुका हूँ। और इसके बाद इस पार्ट में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है आप बस याद रखना है, काफ़ी ध्यान से आपको एडिट करना होगा, इसको एडिट करते समय आपको टाइम देना है, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव करना है, ठीक है। इसके बाद देखना आपको कुछ इस तरह से पहना, कुछ इस तरह से उठाया, कुछ इस तरह से आगे फेंक चल गया, ठीक है। तो आपको जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करना है, ठीक है। लास्ट का पार्ट आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और एक बात देखेंगे जो लास्ट में जो हमारा सीन जो आता है यहाँ पर डबल डॉल में आ जाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो आपको करना क्या है, जहाँ से आपको डबल डॉल में दिखाना है उसे हम स्पीड टू प्ले हिट करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को क्लिक और लास्ट वाले वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, डुब्ली एस लेयर पे क्लिक कर देंगे, ये देख सकते हैं डबल लेयर में बन चुका है। यहाँ पे आपको आना है क्रोप पे, इसे इनेबल करेंगे और ऊपर का कुछ पार्ट क्रोप करना है और नीचे के पास कुछ इस तरह से क्रोप कर देना है, या फिर ऊपर को नहीं भी करेंगे तो चलेगा। वीडियो कलर पे क्लिक करेंगे और इसे आपको कुछ इस तरह से जहाँ पर स्काई दिख रहा है वहाँ तक आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। नीचे आना है ब्लेंडिंग में और यहाँ पर आपको एक मिल जाता है ओवरले का ऑप्शन, सिंपल आपको सेलेक्ट कर देना है। जब आपका देखेंगे लास्ट का वीडियो तो डबल रोल में आपको देखने को मिल जाएंगे और वीडियो आपका प्रॉपर एडिट हो चुका है। स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो को सेलेक्ट किया हूँ, कैचिंग निशान पे क्लिक किया हूँ, स्ट्राइक आइडियो करूँगा, वीडियो पे क्लिक करूँगा डिलीट कर दूँगा। और यहाँ पर देख सकते हैं साउंड भी आपका मैच हो चुका है लगभग। इसके बाद सेटिंग पर क्लिक करेंगे, आइडियो फेड आउट ऑफ करेंगे, शेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने साउंड लिंक दे चुका, उसी वीडियो के साउंड पे वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।